मैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल होम्योपैथ पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहा था कि डॉक्टर साहब हमको नींद नहीं आती, रात रात भर हम जागते रहते हैं, तो इसी के लिए हमने एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा और आज का टॉपिक हमारा है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया जिसको हिंदी में अनिद्रा कहते हैं। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, या मान लीजिए रात में वो सो जाते हैं तो बहुत जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग में उनकी नींद खुल जाती है, फिर उनको नींद नहीं पड़ती। तो ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है इंसोमेनिया अनिद्रा, आज हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अनिद्रा किन कारणों से है, इंसोमेनिया के प्रमुख कारण क्या है, इसके लिए आवश्यक उपाय सुझाव और होम्योपैथिक वैक्सीन, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों जहां तक अनिद्रा का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए। देखिए विज्ञान तो इस बात का समर्थन करता है कि अगर आप 24 घंटे में 8 से 10 मिनट भी सो जाएं, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। लेकिन फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते मैं कम से कम इस बात का प्रतिपादन करता हूं कि अगर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के फेनोमेना में चलें, तो कम से कम मान लीजिए अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 6 से 8 घंटा यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको उठना चाहिए। यानी कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 6 घंटे या 6 से लेके 8 घंटे तक सो रहे हैं तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है और हम इसे अनिद्रा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि अनिद्रा क्या है। देखिए कई बार ऐसे मामले हैं जिसमें व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुल मिला के 6 घंटे से कम या सारी सारी रात वो जागता रहता है, तो ऐसे में हम उसे अनिद्रा का नाम इंसोमेनिया का नाम देते हैं। अब जानने वाली यहाँ पे बात है कि भाई अगर आपको इंसोमेनिया है, अगर आपको अनिद्रा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए मित्रों सबसे प्रमुख कारण जो अनिद्रा का है वो तो है वरी। वरी का मतलब है चिंता। अगर आप किसी विषय को लेकर के चिंतित हैं तो आप निश्चित तौर से आप रात में नहीं सो पाएंगे। दूसरा कारण क्या है कि भाई चिंता होने के साथ साथ मान लीजिए कि अगर आप ओल्ड एज में हैं, एबव 40 हैं, तो हो सकता है आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो। अगर आपको हाइपरटेंशन की शिकायत होगी तो भी आप नहीं सो सकते हैं। इसके बाद में तीसरा कारण हो सकता है अनिद्रा का, आजकल की जो जिंदगी है उसमें हम लोग मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है कि अगर आप देर रात तक मोबाइल का जो है प्रयोग करते हैं, 11-12 बजे रात में 1 बजे रात तक अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। क्यों? क्योंकि जो नींद है हमारी, नींद के आने का जो सिस्टम है ये भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह है। जिस समय व्यक्ति सोने की आदत डाल लेता है और उठने की आदत डाल लेता है उसी समय पर प्रॉपर रूप से उस व्यक्ति को नींद आने लगती है। तो ऐसे 2-3 प्रमुख कारण हैं, चिंता का होना, किसी बात को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, आजकल के स्टूडेंट में देखा जाए तो परीक्षा को लेकर के वो लोग कई बार चिंतित हो जाते हैं, रात रात भर पढ़ाई करने लगते हैं, तो इस तरह की समस्या डेवलप हो जाती है। अब अनिद्रा के इन कारणों के बाद में अगर ये बात किया जाए कि भाई क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए संभावित उपाय क्या है, तो देखिए अनिद्रा से बचने के लिए जो सबसे संभावित उपाय है वो ये है कि आप तनाव ग्रसित जीवन से दूर रहने का प्रयास करें। समस्याएं तो जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन समस्याओं का ये मतलब नहीं है कि आप उनको अपने शरीर पर हावी होने दें। दूसरा जो प्रमुख कारण है, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को देर रात तक
पढ़ने के लिए, ना कहें कि वो ऐसी हैबिट डाल लें कि हाँ भाई बहुत देर तक वो पढ़ते रहते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए तो टीवी या मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग वो जरूर ऐसा कोशिश करें कि देर रात तक वो ना करें। चौथी बात क्या है कि भाई वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के फेनोमेना का प्रतिपादन करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड के शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो एक निश्चित समय पर आपको बहुत ही बेहतर नींद आती है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा करने बावजूद आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो कम से कम एक बार इस बारे में जरूर आप सोचें कि भाई आपका परिवेश कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवेश में अशांति है, आपका बेड नहीं सही है, आपके गद्दे नहीं सही हैं, या वहाँ का माहौल, जिस कमरे जिस रूम में आप रह रहे हैं अगर वहाँ का माहौल नहीं अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास कोई नॉइस पॉल्यूशन रहता है, तो इन चीजों पे भी आप थोड़ा बहुत विचार करें। इसके साथ साथ मित्रों, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते अब मैं अंत में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए आवश्यक होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। मित्रों, इसमें जो है मैं अपने पेशेंट को एक हेल्थ टॉनिक के रूप में मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें एक नंबर पे चलने वाली मेडिसिन पैसी फ्लोरा इनकारनाटा है। ये नींद के लिए वरदान है, नींद के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। दूसरे नंबर पे इस पे चलने वाली मेडिसिन एवीना सटाइबा क्यू है, जिसे जव का पानी भी आप कह सकते हैं। ये जो है एक तरह से नर्वाइन टॉनिक है और मन को शांत करने में बहुत ही उपयोगी है। तीसरे नंबर पे चलने वाली मेडिसिन विधानिया सोमनीफेरा है। ये विधानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में बल और स्फूर्ति प्रदान करता है। तो ऐसे में मित्रों, अगर आपको इंसोमनिया की शिकायत है तो आप ये तीनों मदर टिंचर खरीद लें। 30 ml मदर टिंचर आप SBL में या रेकबेग में खरीद सकते हैं और इन तीनों मेडिसिन के 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के कम रात में सोने से पहले एक बार, या अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में दो बार जो है आप इसका सेवन करें। 10 बूंद आप पीना, 10 बूंद पैसी फ्लोरा और 10 बूंद आप विधानिया सोमनीफेरा का इस्तेमाल। इसके साथ साथ मित्रों, मैं ओल्ड एज के लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि उनका बीपी हाई रहता है और बीपी के कारण उनको नींद नहीं आती है तो ऐसे में वो अपने बीपी की जांच करा लें और इन दवाओं के साथ साथ वो राउफिया सरपेंटाइना और क्रटेगस क्यू का 15-15 बूंद मदर टिंचर का मिश्रण सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें। अगर उनको बीपी की समस्या है तो खान पान में नमक को थोड़ा सा हल्का कर दें। मित्रों, ये इंसोमेनिया के लिए जो मैंने मदर टिंचर बताया है वो पूरी तरह से सेफ है। बहुत छोटा बच्चा भी अगर आपका रात में नहीं सोता है तो 5-5 बूंद दवा यानी कुल मिला के 15 बूंद दवा आधे कप पानी में उसको आप रात में दे सकते हैं और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।